अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे अल्लाह ताला की रहमत के साए में। सबसे पहले हम आप लोगों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने चैनल देसी डॉक्टर में, जिसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं बहुत ही कमाल के देसी नुस्खा जात, खूबसूरती के लिए ब्यूटी टिप्स और घरेलू टोटके। तो आप हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपने सिर्फ ये करना है कि साथ मैंने बेल वाले आइकन को दबा देना है, उससे ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए बहुत कमाल की जानकारी लेकर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह आप घर में मौजूद रहकर आसानी के साथ हाई ब्लड प्रेशर से निजात पा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसा मसला है जिसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर की एक अहम वजह यह है कि अगर इंसान के खून में कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती हो जाए तो इंसान का ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना भी इंसान के खून में हाई ब्लड प्रेशर के सबब बन सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हाई ब्लड प्रेशर से निजात पाएं, तो जो हम आपको नुस्खा बताने जा रहे हैं आप उसे इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आप हाई ब्लड प्रेशर से निजात पाएंगे और ऐसा ऐसा आप हाई ब्लड प्रेशर मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, नुस्खा बनाने के लिए आपने करना यह है कि 3 अदद खुश्क आलू बुखारे सुबह के वक्त लेकर आपने आधा गिलास पानी में डालकर पानी उबाल लेना है, और उबालने के बाद जब पानी हो उबल जाए तो आपने ठंडा करने के बाद आलू बुखारों को उसमें मसल कर उस पानी को पी लेना है। इंशाल्लाह 20 दिन तक ये नुस्खा अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज जान छोड़ देगा। ये नुस्खा उन मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिनके खून में कोलेस्ट्रॉल की या ट्राइग्लिसराइड की तादाद बढ़ी हो, वो लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। उसके अलावा सुबह नहार मुंह लहसुन के 2 जुए इस्तेमाल करने से, यानी कि लहसुन के 2 जुए छील कर आपने चबा कर उसे खा लेना है और साथ पानी पी लेना है, इससे आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। गाजर का जूस अगर आप इस्तेमाल करते हैं हाई ब्लड प्रेशर में तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा नंगे पांव जमीन पर चलना भी आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मावन साबित होगा। तो दोस्तों, ये थे चंद नुस्खे जिनको इस्तेमाल करके आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, तो आप ये नुस्खों पर अमल कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बहुत से लोग इनसे फायदा उठा चुके हैं, तो आप भी देर मत कीजिएगा, इन नुस्खों को इस्तेमाल कीजिएगा और आप हाई ब्लड प्रेशर से निजात पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी ही मजीद हाई टिप्स वाली वीडियोस मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। अगली वीडियो तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, हमें दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।